जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है उस दौरान करीब 7 महीने में केंद्रीय जांच एजेंसियों के द्वारा लगातार बिहार में छापेमारी को बढ़ा दिया गया है। जांच की कार्रवाई असीमित तरीके से उसको आगे बढ़ाने का केंद्रीय सरकार के द्वारा आदेश दिया गया है। आश्चर्यजनक है कि जब तक बिहार में एनडीए की सरकार थी यही केंद्रीय जांच एजेंसियां नहीं के बराबर कार्रवाई कर रही थी। इससे साबित होता है देश के तमाम जो विपक्षी दल हैं जिनका आरोप है कि देश की सत्ता में बैठे हुए केंद्रीय सरकार के लोग अपने राजनीतिक प्रतिस्पर्धियों और विपक्षियों को एक केंद्रीय जांच एजेंसियों के द्वारा डराया धमकाना जाने के प्रयास इस तरीके से किया जा रहा है कि राजनीतिक अस्थिरता का जन्म हो रहा है। आपने देखा होगा, महाराष्ट्र को देखा होगा आप लोगों ने, आपने झारखंड को देखा होगा कि वहाँ की सरकारें, या आपने पश्चिम बंगाल में देखा होगा जहाँ विपक्ष की सरकारें थीं, वहाँ पर यूपीए की जहाँ सरकारें थीं उसको देश की सरकार ने अपने जांच एजेंसियों के द्वारा लगातार डरवाने धमकाने का काम किया गया। और एक बात तय हुई थी, आपने देखा भी होगा कि जिस काम के लिए मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, मैं एक निजी विधेयक बिहार विधानसभा में ला रहा हूँ जिसका मुख्य उद्देश्य है कि दिल्ली पुलिस इस्टैब्लिशमेंट एक्ट के पारा 6 सेक्शन 6 में उसको अधिकार दिया गया था, बिहार जैसे राज्यों ने, देश के तमाम राज्यों ने दिया था आम सहमति कि वह देश में कहीं भी जांच कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग बढ़ता हुआ देखकर देश के 9 राज्यों ने अभी तक इस आम सहमति के धारा 6 को वापस लेने का काम किया था, आज भी 10वां राज्य पश्चिम बंगाल ने भी वापस लेने का काम किया जो लागू नहीं हो पाया। 6 महीना पहले आप लोग को याद होगा तेलंगाना के मुख्यमंत्री KCR आए थे और बिहार के मुख्यमंत्री जी के साथ साझा प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया था कि बिहार के भीतर भी केंद्रीय जांच एजेंसियों को दी गई आम सहमति वापस लिया जाएगा। लेकिन आप देखते होंगे ये 6 महीना बीत जाने के बाद भी बिहार में यह आम सहमति वापस नहीं लिया गया और आज राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, राबड़ी जी और लालू जी जैसे हमारे जो शीर्ष नेतृत्व पार्टी के कई सांसद, पार्टी के कई विधायकों पर लगातार केंद्रीय जांच एजेंसियों के द्वारा उन मामले में जांच की जा रही है जिस मामले में पहले ही जांच कर करके चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दिया गया। अब किसी भी जांच एजेंसी को या किसी भी तीसरे पक्ष को लगता है कि कोई नई सूचना है, कोर्ट में जाकर उसको सबमिट करना चाहिए और ट्रायल कराना चाहिए, लेकिन ट्रायल ना करा करके इस अनिश्चित काल तक जांच के नाम पर उलझाए रखना और विपक्ष की एकता और विपक्ष के राजनेताओं को धमकाना, यह एक नया सगल तो मैं नहीं कहता, इसीलिए कि जो अभी वर्तमान में जो केंद्र में सरकार में बैठे हैं उन लोगों का खुद आरोप था जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और विपक्ष में थे तो उनका कहना था कि जो केंद्र की सरकार है, तत्कालीन केंद्र की सरकार, वह अपने विपक्षी नेताओं को केंद्रीय जांच एजेंसियों के द्वारा तंग एवं तबाह किया जा रहा है। कहने का मतलब कि यह सर्वानुमति है इस देश में, पक्ष हो या विपक्ष कि नहीं, यह केंद्रीय एजेंसियां दुरुपयोग की जा रही हैं। लेकिन दुर्भाग्य क्या है, जो भी हम सत्ता में आते हैं वो हम इस बात को भूल करके उन एजेंसियों का दुरुपयोग को बढ़ा देते हैं और जो विपक्ष में है वो उसको समाप्त करने की बात करते हैं। इसीलिए मैंने विधायिका के सदस्य होने के नाते मैं इस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए मैं निजी विधेयक बिहार विधानसभा में आज पेश कर रहा हूँ और माननीय विधानसभा के अध्यक्ष जी से मैं चाहता हूँ कि इसी सत्र में बहस हो करके जो दिल्ली DSPE एक्ट को जो आम सहमति मिला है बिहार से, इसको निरस्त कर दिया जाए और केस टू केस मेरिट के आधार पे बिहार सरकार से अनुमति लेकर जांच की जरूरत महसूस करेगी राज्य सरकार तो उसको जांच करवाया जाएगा, क्योंकि बिहार सरकार के पास खुद भी कई जांच एजेंसियां हैं, राज्य के भीतर समस्या होती है इसकी जांच स्वयं कर लेती हैं, अगर राज्य से बाहर वह अपराध घटित हुआ हो तो वैसे में केंद्रीय जांच एजेंसियों का भी सहयोग लिया जाना
चाहिए जरूरत के हिसाब से। यह तो पूरे देश में सभी को पता है कि जांच एजेंसियां सरकार की अनुमति से ही जांच करती हैं, वह स्वतंत्र नहीं है। जिसकी लड़ाई हुई थी देश भर में कि लोकपाल की स्थापना होनी चाहिए और लोकपाल स्वतंत्र रूप से एक निकाय होगा जो जांच एजेंसियों को नियंत्रित करेगा, लेकिन सभी लोग को मालूम है कि वह आज तक कानून पास नहीं हुआ। सरकार ही नियंत्रण में रखती है जाँच एजेंसियों को। केंद्रीय जाँच एजेंसियाँ जो केंद्र की सरकार में अधीन है और राज्यों की जांच एजेंसियां राज्य सरकारों के अधीन है, यह तो बात सर्वविदित तथ्य है। आप कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच राज्य सरकार के अनुसार ही जांच करे, लेकिन बीजेपी कह रही है अगर राज्य सरकार के अनुसार सीबीआई अगर यहां जांच करती है तो भ्रष्टाचार को लोग बढ़ावा देना चाह रहे हैं। जेडीयू इस बात का समर्थन करेगी या नहीं? मैं जहां तक जानता हूं इस मामले में कि आपने कहा, इसीलिए मैंने अपने पिछले वक्तव्य में मैंने कहा कि 6 महीना पहले KCR आए थे तेलंगाना के मुख्यमंत्री और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी का, दोनों का संयुक्त वक्तव्य है कि हमारी आम सहमति जो दिए हैं वो आम सहमति वापस लेना। तो मैं तो ये मानता हूँ कि JDU का समर्थन होना चाहिए। जब उनके मुख्यमंत्री का जब बयान है तो जब उनके कार्यपालिका के हेड का बयान है तो पार्टी का भी समर्थन इस पर जरूर मिलना चाहिए। इस पूरे मामले में क्या नीतीश कुमार की भूमिका को आप उस तरह से भी देखते हैं जिससे आपको आपत्ति हो, आपकी पार्टी को आपत्ति हो? जी नहीं, मैं ये मानता हूँ कि जो JDU के खिलाफ भी कभी कभी समय पर जब ये विपक्ष में रहते हैं, जब वो NDA से निकल कर बाहर आते हैं तो इस तरह की छापेमारी CBI वाले करते हैं। बीच में एक छापेमारी हुई भी थी JDU के नेताओं पर और मुझे अच्छी तरह से याद है कि 2012 में भी CBI JDU के नेता थे, उस समय के तत्कालीन जो ट्रेजरर थे कोषाध्यक्ष राकेश सिन्हा शायद उनका नाम था, राकेश सिंह, उनके घर पर, जिनके घर पर माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं वर्षों तक रहे थे, उस घर पर सर्च किया गया था इनकम टैक्स के द्वारा। मुझे अच्छी तरह से याद है जब वो भारतीय जनता पार्टी से उनका समझौता टूट रहा था और कई करोड़ कैश भी जब्त था, लेकिन आज तक ये नहीं पता चला कि CBI ने उस पर क्या कार्रवाई की। और मीडिया के बंधु भी शायद भूल गए उस विषय को, इसीलिए कभी उसको फॉलोअप में नहीं गए कि इस तरह से CBI लगातार, वो ऐसा नहीं कि केवल भारतीय जनता दल पर ही छापेमारी करते हैं, विपक्ष में जो रहेगा उस पर छापेमारी करते हैं। आप भ्रष्टाचारी को बचाने का काम कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी पर आप भ्रष्टाचार का मतलब आरोप लगा रहे थे, लालू प्रसाद यादव 950 करोड़ है ही, रेलवे में नौकरी के घोटाले को लेकर जो बातें हुई है उसी को लेकर CBI और ED ये सब कर रही है छापेमारी, तो आप क्यों? मैं किसी के बचाव के लिए नहीं हूँ, मैं अभी भी बता रहा हूँ, मैं किसी के बचाव के लिए यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा हूँ। मैंने एक यूनिफॉर्म पॉलिसी की बात कर रहा हूँ। यूनिफॉर्म पॉलिसी ये है कि केवल भ्रष्टाचार केवल विपक्ष करता है, नहीं, भ्रष्टाचार हमेशा सत्ता पक्ष करता है, याद रखिए ठीक से। आप तो केंद्र में जो सत्ता में बैठे हैं वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई जांच नहीं हो रही है, केवल उन पर कार्रवाई हो रही है जो दिल्ली के खिलाफ लोग हैं, जो उनके विपक्ष में लोग हैं उन पर यह कार्रवाई हो रही है, एक पक्षीय कार्रवाई हो रही, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसीलिए आम सहमति वापस होना चाहिए। एक रिपोर्ट आया है उसमें कहा गया कि एलारा नामक कंप्यूटर दिया है। अब ये खबर आ रही है कि एलारा का कौन मालिक है ये कंफर्म नहीं है, और एलारा जो है वो बिजनेस पार्टनर है अडानी के, और उसके अलावा जो ईडी के प्रमुख है उनको जो ड्यूटी बढ़ाया गया है उसको भी दिल्ली के कोर्ट में एक तरह से जो है चुनौती दी गई है, पूरे मसले को आप कैसे देखते हैं? हमने आपको इसी पिछले वक्तव्य में मैंने बोला कि जो सत्ता में बैठा होता है वही भ्रष्टाचार करता है, मैं इस बात को कह रहा हूँ। तो जो दिल्ली में सत्ता में बैठे लोग हैं जिनकी हिडनबर्ग के जो एनालिसिस को ये रिपोर्ट के आधार पे जो आया है जिसपे जांच की आवश्यकता है, मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूँ कि किसी ने पैसा लेके भ्रष्टाचार किया है, लेकिन जब आरोप है तो इसकी जांच होनी चाहिए केंद्रीय जांच एजेंसियों के द्वारा, जो नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक पक्षीय है। इसीलिए देश में काम सहमति बनी थी, पार्लियामेंट में याद करिए कि लोकपाल गठित होगा या पार्लियामेंट का कंसेंट था, इसी के आधार पर वो आंदोलन वापस हुआ था, लेकिन आज तक लोकपाल नहीं बना तो इसके लिए सभी राजनीतिक दल दोषी हैं यहाँ पर। मैं इसीलिए विधायिका याद करिए, मैं पार्टी के तौर पर नहीं, मैं एक विधायक के तौर पे निजी विधेयक पेश कर रहा हूँ कि सभी दल इस पर अपने राय व्यक्त करें कि
कि वो चाहते क्या हैं, लेकिन यहाँ पिक एंड चूज की पॉलिसी है। और पिक एंड चूज कैसे हम पकड़ रहे हैं, जो विपक्ष में है, जो सत्ता में है, जिसके पास ज्यादा संभावना है भ्रष्टाचार का वो बच जा रहा है, और जो विपक्ष में है जिसके पास संभावनाएं कम है उसको सीबीआई ईडी पकड़ रही है। यही तो मैं कह रहा हूँ। मैंने कहा कि इस मसले पर जिस मसले पर दोबारा नहीं, हमको लगता कि पांचवी या छठवीं बार यार ये जांच हुआ, छापे मारी हुई है, एक एफआईआर पे ये पांचवी या छठवीं बार एफआईआर छापे मारी हो रही है। तो भाई एक ही एफआईआर पे 6 बार जांच होगा? नहीं नहीं, इसमें देखिए इसके एक प्रोसेस सेट पैटर्न है। देखिए मैं कानून की बात कर ले हम लोग ना, उनकी मर्जी से नहीं चलेगा ना, किसी के मर्जी, मेरे मर्जी से भी नहीं चलेगा, लेकिन सीबीआई और जांच एजेंसियों की भी मर्जी से नहीं चलेगा। कानून कहता है कि एक बार जब आप कोर्ट से बेल ले लेते हैं तो उसके बाद ट्रायल शुरू होता है, और कोई भी आपके पास नया साक्ष्य है आप कोर्ट को दीजिएगा, आप वापस वहां पे नहीं चले आइएगा उसी अभियुक्त के पास, ऑलरेडी वो बेल पर है, आप कोर्ट न्याय करेगा, पनिश करेगा, उसको सभी को मान्य है। जेपीसी पर सुधाकर जी का क्या रहा है, क्योंकि जेपीसी को जो पावर होता है वो प्रधानमंत्री से भी पूछताछ कर सकता है, तो क्या ये सरकार नहीं चाहती है कि जेपीसी, क्योंकि 6 बार बैठ चुकी है, 3 बार सरकार जा चुकी है, चाहे यूपी सिंह हो, चाहे अटल बिहारी जी हो, या उसके अलावा। मैंने कहा कि जो सत्ता में आ जाते हैं, जो विपक्ष में थे वो चाहते हैं कि जेपीसी बने, जो सत्ता में आ जाए वही दल अगर सत्ता में आ जाता है तो कहता है जेपीसी नहीं बनेगा। यह तो मैं आरोप सभी राजनीतिक दलों पे मैं लगाया हूँ, इसीलिए विधायिका के भीतर बहस होना चाहिए, रिकॉर्डेड बहस होना चाहिए कि किसका क्या ओपिनियन है। कल जाके मुकर न जा, मान लीजिए मैं आज विपक्ष में हूँ और मैं कह रहा हूँ कि ईडी और सीबीआई का अधिकार जब्त हो जाए, और कल के दिन जनता हम ही को सरकार बनाने का अवसर देगी और कल हम उसी का दुरुपयोग कर दें, तो लेकिन जब रिकॉर्डेड विधानसभा में आप बोलते हैं, पार्लियामेंट पे बोलते हैं और रिकॉर्डेड माना जाता है, इसीलिए मैं चाहता हूँ बहस करके सभी राजनीतिक दल अपने बात को रख दें कि क्या चाहते हैं लोग, सर्वानुमति बनाए, क्योंकि यह सर्वानुमति के ही जरिए मिला था अधिकार, आम सहमति, और आज सर्वानुमति टूट चुका है। यह एक तरह से केंद्रीय सरकारों के हथियार के रूप में जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, यह देश के आम जनमानस तक बात जा चुकी है, इसीलिए मैं इस विधेयक को ला रहा हूँ।